अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, वी हैव टर्न्ड फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टू, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फोर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज। नेक्स्ट वी विल डू सेकेंड चैप्टर, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। Computer has become part of our daily life and its effects can be seen everywhere. Okay students, thousands of computers are being used today to perform different daily life jobs. Thousands of computers आज के दौर में use किए जा रहे हैं जो कि हमारी daily jobs की जो है perform करती हैं, like business, science, engineering, education, health, industries, etc. To handle all these jobs, different kinds of computers are used. इन सारी jobs को handle करने के लिए different computer, different kinds of computer use किया जा रहा है. So we can classify computers into the following three categories. First one, computers by type. Second one is computers by purpose. Third one is computers by size. सो फर्स्ट वन की अगर हम बात करें कंप्यूटर्स बाय टाइप, तो इसमें स्टूडेंट्स फर्दर ये मज़ीद क्लासिफाइड होते हैं कंप्यूटर्स बाय टाइप। फर्स्ट वन इज़ एनालॉग कंप्यूटर्स, सेकेंड वन इज़ डिजिटल कंप्यूटर्स, थर्ड वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ओके, अब इन तीनों कैटेगरीज को हम वन बाय वन डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट वन एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स मेजर फिजिकल क्वान्टिटीज़। एनालॉग कंप्यूटर्स स्टूडेंट बेसिकली ये फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करता है, लाइक डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो ऑफ करंट और लिक्विड एक्सेट्रा। ओके, दे आर द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म होती हैं कंप्यूटर्स की। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, कार स्पीडोमीटर्स, मल्टीमीटर्स, ओल्ड पेट्रोल फिलिंग मशीन्स, रिस्ट वॉचेस, क्लॉक्स एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 12, डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। डिजिटल कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट जो हमारे डाटा को किस फॉर्म में करते हैं, डिजिट फॉर्म में करते हैं। दे आर द हाई स्पीड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच कैन प्रोसेस डाटा एक्यूरेटली। स्टूडेंट बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स ये जो है हाई स्पीड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि हमारे डाटा को एक्यूरेटली प्रोसेस करती है। Computers, calculators and digital watches are some example of digital computers. आप देख सकते हैं कि computer, calculators and digital जो watches होती हैं ये इसकी example है digital computers के। Okay? Hybrid computers. Hybrid computers की हम बात करें तो basically कि क्या होती है, hybrid computers are the combination of analog computers and digital computers के। ये hybrid computer जो combination है ये digital computer की combination है और analog computers, analog and digital इन दोनों की combination से जाके ये hybrid होते हैं। basically जो है they receive data like analog computers, ये receive जो कर रहा होता है analog computers की तरह data receive करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है, इसके रिजल्ट को कन्वर्ट कर देता है इनटू डिजिट्स में। ठीक है, मॉडर्न पेट्रोल फिलिंग मशीन्स, डिजिटल टेलीफोन्स, रेडर्स, गैजेट, मिसाइल सिस्टम्स एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स बाय पर्पस। कंप्यूटर can be classified according to their purpose as under, first one is general purpose computer, second one is special purpose computers. First one, general purpose computers. General purpose computers are designed to solve a large variety of purpose. General purpose computers को जो design किया गया है वो जो है large variety of problems जो होती है उसको solve करने के लिए।
डिफरेंट प्रोग्राम्स कैन बी यूज टू सॉल्व मैनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस साइंस इंजीनियरिंग एजुकेशन एक्सेट्रा. डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगी जो होती हैं तो वो क्या करती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, बिजनेस की, साइंस की, इंजीनियरिंग की, एजुकेशन की, एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. नाउ कम ऑन पेज नंबर 13, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को जो डिज़ाइन किया गया है वो बेसिकली ओनली स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. एंड ओनली वन और टू प्रोग्राम्स, और इसके प्रोग्राम्स भी कम हैं, जबकि जनरल पर्पस में डिफरेंट प्रोग्राम्स थे ताकि डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, विच आर बिल्ट इन देयर सर्किटरी कैन सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. Examples of special purpose computers are fax machines, cash registers, etching machines, microwave oven, robots, etc. Robots. A robot is a special purpose computer which is designed to execute one or more tasks repeatedly with speed and precision. स्टूडेंट्स, रोबोट्स जो हैं ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जिसे डिज़ाइन किया गया है वन और मोर टास्क, एक और उससे ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिपीटेडली विद स्पीड एंड प्रेशियस. दे मे बी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स एज देयर आर टास्क फॉर देम. अ रोबोट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर और बाय अ कंप्यूटर. बेटे स्टूडेंट्स, रिपोर्ट्स को जो है वो ह्यूमन ऑपरेट कर रहे होते हैं और इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंप्यूटर भी कर सकते हैं. ठीक है, रिपोर्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. रिपोर्ट्स के दो टाइप्स हो सकते हैं, ऑटोनोमस रिपोर्ट्स एंड इंसेक्ट रिपोर्ट्स, दो टाइप्स हो सकते हैं. एंड ऑटोनोमस रिपोर्ट एक्ट्स एज अ स्टैंड अलोन सिस्टम कंप्लीट विद इट्स ओन कंप्यूटर. ऑटोनोमस रोबोट्स जो हैं वो अलोन सिस्टम के हामिल होते हैं कंप्लीट विद इट्स ओन कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर का इनका अपना कंप्लीट कम्युनिकेशन होती है. ठीक है, इंसेक्ट रोबोट वर्क्स इट इन फ्लीट्स रेंजिंग इन नंबर फ्रॉम अ फ्यू टू थाउजेंड विद ऑल फ्लाइट्स मेंबर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सिंगल कंट्रोलर. इंसेक्ट रोबोट जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो फ्लिट रेंजिंग नंबर में कर रहे होते हैं, फ्रॉम अ फ्यू टू थाउजेंड, जो कि एक या उससे हज़ार तक करते हैं, विद ऑल फ्लिट्स मेंबर्स, और जो भी उसके फ्लिट्स मेंबर्स जो अंडर काम कर रहे होते हैं वो किसके अंडर करते हैं, द सुपरविजन ऑफ अ सिंगल कंट्रोलर, एक ही कंट्रोलर होता है उसका. रोबोट्स कैन बी फाउंड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. रोबोट जो है वो आपको फाउंड मिल सकता है कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, द मिलिट्री, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड मेडिकल एप्लीकेशंस में. दे जो जॉब्स दैट आर डिफ़िकल्ट, ये जो जॉब्स उनके डिफ़िकल्ट करता है, कर लेता है, डेंजरस भी करता है और डल भी, हल्का भी कर लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, दे कैन फ्लिट हेवी ऑब्जेक्ट्स. ये जो है वो हेवी ऑब्जेक्ट्स को फ्लिट कर सकता है, पेंट, हैंडल केमिकल्स, ये पेंट भी कर सकता है, हैंडल केमिकल्स भी कर सकता है एंड परफॉर्म असेंबली वर्क. दे परफॉर्म द सेम जॉब्स हार आफ्टर हार, डे आफ्टर डे विद प्रेशियस. ये जो इसकी जॉब जो होती है वो हार आफ्टर हार आर हो रही होती है एंड डे आफ्टर विद अ प्रीशियस. दे डोंट गेट टायर्ड, ये कभी थकता नहीं है. एंड दे डोंट मेक एरर्स, और ये कभी गलती भी नहीं करता. एसोसिएटेड विद फटिक सो आर आइडियली सिचुएटेड टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, और अपने टास्क को आइडियली परफॉर्म करता है ये. थैंक यू.